तक ऋषि कुमार ये नहीं बताते कि इंद्र शर्मा कौन है। देखो इंदु, तुम्हें कुछ भी बताना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। नीचे आओ, शर्मा निवास में ऐसे ड्रामे नए नहीं है। सब लोग चढ़ते हैं वहां पर लेकिन कोई गिरता नहीं है, हिम्मत नहीं है किसी के अंदर। चलो चुपचाप नीचे आओ, अगर मैं ऊपर आ गया ना इंदु तो अंजाम तुम जानती हो। अंजाम आप नहीं जानते हो ऋषि कुमार, मैं कहती हूँ वहीं रुक जाइए, वहीं रुक जाइए ऋषि कुमार। रिकी, रिकी प्लीज, एक कदम भी आगे मत बढ़ो नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। आपको पता नहीं कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। ये ऐसी धमकी किसी और को देना, इंदु हाथ दो। इंदु प्लीज संभालो, इंदु हाथ दो। इंदु मैं यहाँ से कूद जाऊंगी देख लो। रब्बा तेरा लाख लाख शुक्र है। ये क्या टाइमिंग है तेरे मामा की, आज क्या छूट जाता तो पूरी टीम आउट हो जाती। क्या हो रहा है ये? क्या किया तुमने इंदु, तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या आप मुझे गले लगा लेते? किसी का डर नहीं है ना तुम्हें इंदु, लेकिन मुझे पता है तुम्हें कैसे हैंडल करना। आज जो तुमने हरकत की है ना उसके लिए तुम्हें कोई सिंपल पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। छोटे क्या कर रहा है भाई? और तू इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, इतनी ऊपर से कूद गई, क्या जानना है तेरे को इंद्र शर्मा कौन है? मैं बताता हूं तेरे को इंद्र शर्मा कौन। इधर आ, छोड़ना इसे। इंदिरा शर्मा ना इस घर की जान थी, और जब शरीर से जान चली जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है ना, वैसे ही उसके जाने से इस घर की सांसें भी चली गई उसके साथ। एकदम जिंदा लाश बन के रह गया ये शर्मा निवास। देख चेहरे देख सकते एक बार। हरि ओम मुन्ना, बस चुप कर, ज्यादा बक मत। क्यों चुप हो जाओ मम्मी, जानने का हक है इसको। तो बताओ ना मामा, ये इंद्र शर्मा मेरी कौन है? वो ना वो किराएदार थी और उनकी कहानी इस बरसाती से शुरू हुई। वो इस घर में आई रही और इस बरसाती का किराया देकर यहां से चली। बस श्वेता इसे अंदर लेकर जाओ। आज जो इसने हरकत की है ना उसके लिए इसे आज पनिशमेंट मिली, जरूर मिले।
किराएदार, छोटे शर्म नहीं आई तेरे को? जबान नहीं कांपी क्या तेरी एक बार भी? घर की मालकिन थी वो जिसे किराएदार बता रहा है तू, पर वो छोटी सी बच्ची, सब कुछ जानने का हक है उसे अपनी माँ के बारे में। पत्थर दिल इंसान, कितना प्यार करती थी तेरे से इंद्र, तेरे को पता है किराएदार बना रहा जिसको तू? सब भूल गया ना तू, इस डॉक्टर ने क्या थी? तो फिर क्या करूं बताइए ना आप। बहुत प्यार करता हूं अपनी इंदू से, लेकिन अपनी बदकिस्मती से डरता हूं भाई साहब। आज तक जिसे भी सच्चे दिल से चाहा, जिसे भी प्यार किया, वही छीन लिया गया मुझसे। मेरी मां श्रीमती जी, अब इंदू को खोना नहीं चाहता हूं भाई साहब। अगर उसे कुछ हो गया ना तो जीते जी मर जाऊंगा मैं। इसलिए उसे अपनी परछाई से दूर रखता हूं, यही कारण है कि उससे सीधे मुंह बात नहीं करता हूं मैं। अरे तो तू क्यों डरता है इंदिरा के बारे में सच बताने से? क्योंकि भाई साहब, इंदू के फ्यूचर के लिए उसकी मां का उसके सामने होना जरूरी है। इसीलिए श्वेता जो कह रही है मैं वही कर रहा हूं। उसने मुझसे वादा लिया है, जब तक वो नहीं कहेगी मैं इंदू को सच नहीं बताऊं। और आप तो जानते हो कितना बड़ा एहसान किया उसने हमारे ऊपर, इसीलिए उसकी बात मान रहा हूं। उससे ज्यादा वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरी श्रीमती जी की जगह भाई साहब इस दुनिया में कोई लड़की नहीं ले सकती, कभी भी नहीं। साले मैं जानता नहीं हूं क्या? देखा है मैंने तेरा प्यार, जब गली में उठा के लेके जा रहा था ना तो उसको ऐसे ऐसे लग रहा था जिंदगी उठा रखी है तूने अपनी। पर क्या कर सकते हैं, वो तो गई, यादें रहेगी ना। तो वो बता छोटे, कभी कभी उसकी डांट सुनने का इतना मन करता है ना मेरा, जब भी उसकी डांट गूंजती है ना मेरी कानों में तब मेरे को एहसास होता है कितना प्यार था उसकी डांट में। जी करता है कभी ना ये जाके अच्छे दिल फाड़ के ऐसे रो मैं, पर बदकिस्मती देख अपनी, बोल के रो भी तो नहीं सकते। कब तक चलेगा ऐसा? आज तो किस्मत थी, टाइम पे आ गया मैं, बच गई अपनी बच्ची, कल फिर हो गया तो ऐसा? उसका भी तोड़ है भाई साहब, और शायद भगवान भी मुझसे यही कराना चाह रहा है। आज एक बाप को अपनी बच्ची के लिए कठोर कदम लेना पड़ेगा। छोटी सिंधु के लिए कठोर कदम, जी सिने अवॉर्ड्स गोज टू कमल खान। सफर मेहनत से शोहरत तक का, सफर सपनों से सच तक का, पूरा होगा आपका अगर आप भी करना चाहते हैं ये सफर तय, जमीन से आसमां तक। सारे गामा पा के आखिरी ऑडिशंस हो रहे हैं 9 सितंबर को आपके शहर दिल्ली में। अच्छा गाती हूँ ना, क्या कहती हो मैं भी ऑडिशन में जाऊँ? ये लास्ट ऑडिशन है, वो भी अपने दिल्ली में, ओपीजी वर्ल्ड स्कूल द्वारिका में हो रहा है, वो भी इस संडे 9 सितंबर को। आप भी चलोगी ना मेरे साथ? खूब मजे करेंगे संडे को। अरे सारे गा मापा लिटिल चैंप दिल्ली में तो आ जाने दे, जब तो तू ऑडिशन दे पाएगी। यहाँ तो सिर्फ बड़े लोग ऑडिशन दे सकते हैं, और सच कहूँ तो जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुझे डर नहीं लगता कि फुफा जी तुझे क्या सजा देंगे? उन्होंने इस बार तुझे बड़ी पनिशमेंट देने की बात की थी, और तू इस संडे को मस्ती मारने की सोच रही है? मैं तेरी जगह होती तो मेरी तो जान ही निकल गई होती। अरे छोड़ ना, ज्यादा से ज्यादा 2 बजे 4 थप्पड़ मारेंगे। थप्पड़ खा खा कर मेरे गाल फौलाद के बन गए हैं। फौलाद के? वाह, ये तेरी अपनी लाइन है ना? नहीं, संडे को एक पिक्चर देख रही थी, उससे ली है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। श्वेता, श्वेता कहाँ हो? इंदू का सामान पैक करो। क्यों, किस खुशी में?
चाहिए वो, मैं समझाऊंगी ना उसे। चुप रहो तुम, देख रही हो कितना जिद्दी बना दिया तुमने इसे। और गलती मेरी है जो तुम सब लोगों की बातों में आ गया, लेकिन अब कोई बीच में नहीं आएगा। इस बार हिंदू हॉस्टल जाएगा। मैं नहीं जाने वाली हॉस्टल विस्टल, मैं सारे किताबें फाड़ दूंगी, अपना स्कूल ड्रेस भी फेंक दूंगी, देखती हूँ कौन मुझे हॉस्टल भेजता है। तुम जिद्दी हो ना, ठीक है मैं भी तुम्हारा बाप, एक बार जो कह दिया सो कह दिया। तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर इंदू का सामान पैक करो, जाओ। और वो जरूरत का सारा सामान रखना उसमें। रिकी, छोटी बच्ची है वो, कैसे रहेगी हॉस्टल में? तुम एक बार सोचो ना। 8 साल की उम्र हो गई है इसकी, और पिछले 8 सालों से तुम इसे पाल रही हो, रिजल्ट तुम्हारे सामने है श्वेता। अब इसको मैं अपने हिसाब से पालूंगा, समझी तुम? जाओ जाकर इसका सामान बांधो, शाम को शिमला की ट्रेन। रिकी, रिकी मेरी बात सुन, रिकी, रिकी मेरी बात तो सुनो। ओ पोलाद, फूफा जी तो तुझसे 10 कदम आगे निकले, हॉस्टल भेज रहे हैं तुझे, ये है उनकी बड़ी पनिशमेंट, तेरा तो कचूमर बन जाएगा। हाँ बच्चू, कैसे? मैंने सुना है वहाँ बच्चों को छोटी छोटी गलतियों पर पिटाई होती है, मुर्गा बनाया जाता है, रात को अकेले अंधेरे में सुलाया जाता है, और काम करवाते हैं, खाना नहीं मिलता, और जेल में रखते हैं। माँ कुछ करो ना, मैं अब कोई शरारत नहीं करूंगी। ऋषि कुमार को बोलो ना, जितना मारना मारो, तो मुझे हॉस्टल तो मत भेजो। इंदु को हॉस्टल मत भेजो ना बुआ। माँ मुंह मत फिराओ ना, मुझे नहीं जाना है हॉस्टल। तो क्यों करती हो इतनी शरारत? जानती हो ना कि तुम्हारे पापा का फैसला कोई नहीं बदल सकता, वो भी तुम्हारी तरह जिद्दी। इंदू, ऋषि भैया, छोड़िए ना बच्ची, बचपन में मैं भी तो कितनी शरारत किया करता था, आपने कभी मुझे भेजा क्या हॉस्टल? जानता हूं ईशान, तू भी बहुत बदमाशियां किया करता था। शरारतों को संभालने के लिए तेरी बुआ थी ना, आज अगर वो होती तो इंदु को हॉस्टल भेजने की नौबत ही नहीं आती। ईशान भैया को कैसे गले लगा कर इतना प्यार कर रहे हैं ऋषि कुमार, बस कोई मुझे ही प्यार नहीं करता है। चलो इंदु, देर हो रही है। मदद की इंदू, इंदू कोई करे या ना करे, लेकिन मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। I miss you.
मैंने सुना है वहाँ बच्चों को छोटी छोटी गलतियों पर पिटाई होती है, मुर्गा बनाया जाता है, रात को अकेले अंधेरे में सुलाया जाता है और काम करवाते हैं, खाना नहीं मिलता और जेल में रखते हैं। कुछ भी हो जाए मैं हॉस्टल नहीं जाने वाली, नहीं तो अपने घर। मैं रोने वालों में से नहीं हूँ। और हाँ, मैं रोने वालों में से भी नहीं हूँ। क्या हुआ? ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। यहाँ से हिलना मत और ये सामान का ध्यान रख। सामने देखो ना, हिंदू हिंदू अल्लाह खैर करे, क्या करती है? अभी गिर जाती तो। और पानी दूँ तुझे? नहीं। कहाँ भागे जा रही थी बेतहाशा? अभी मैं तुझे ट्रेन पे नहीं चढ़ाती तो स्टेशन पर ही रह जाती तू। कोई नहीं है क्या तेरे साथ? हाँ है ना, दूसरे डब्बे में है। तू सच बोल रही है ना? हाँ, वो हड़बड़ी में मेरी मम्मी का हाथ मेरे हाथ से छूट गया था तो मैं अब जाती। सच सच बता लड़की, तू घर से भाग के आई है? मुझे तो भागना भी नहीं आता, ठीक से भी नहीं चल पाती हूँ मैं। झूठ, अभी ट्रेन के साथ कौन दौड़ रहा था? चुपचाप सच बता, नहीं तो तुझे पता नहीं हमारी भाभी जान पुलिस ऑफिसर है। पुलिस ऑफिसर? बारह साल पहले उसने मुंबई पुलिस ज्वाइन किया था। मैं ज़ारा मलिक खान ये शपथ लेती हूँ कि अपनी देश की रक्षा हर हाल में करूँगी। और उसका नाम ज़ारा मलिक खान। इंस्पेक्टर ज़ारा मलिक खान रिपोर्टिंग सर। और वो मुझे मुंबई लेने आ रही है, अगर तूने सच नहीं बताया ना तो मैं कल तुझे उसके हवाले कर दूँगी।